तो नर्मदा का जल आपने देखा होगा हरा होता है जी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि नर्मदा का जल हरा क्यों होता है, बाकी नदियों का जल अलग तरह का होता है, लेकिन नर्मदा जी का जो जल है वो हरा है। माँ नर्मदा प्रकटोत्सव के उत्सव पर भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा पड़ा हुआ है, आस्था से सराबोर यहाँ पर कई भक्त हैं जो आस्था और माई नर्मदा के प्रति समर्पण के लिए यहाँ पर तट पर डुबकी लगाते हुए देखे जा सकते हैं। मेरे पीछे आप माई का ये पावन तट देख सकते हैं और मेरे साथ हैं मुंबई से आए हुए एक आस्थावान भक्त, उनसे उनके अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका द खबरदार न्यूज पर हम स्वागत करते हैं और आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद, मेरा नाम है आशीष कुमार सेन और मैं मुंबई में रहता ज़रूर हूँ, मेरा काम ज़रूर मुंबई में है जी। लेकिन मैं जबलपुर मेरा बॉर्न प्लेस है और पाटन तहसील है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और नर्मदा जी से तो सभी को प्रेम है। मैं मानता हूँ कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो माँ नर्मदा के बारे में ना जानता हो और उनमें आस्था ना रखता हो जी। तो मैं प्रत्येक वर्ष नर्मदा जयंती के अवसर पर यहाँ पर पहुँचता हूँ और मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है नर्मदा जी में, यहाँ आता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि हम ये जो भीड़ देख पा रहे हैं, जो भक्तों का जन सैलाब देख पा रहे हैं, तो उससे हमें एक चीज़ ऐसी प्रतीत हो रही है कि जिस तरीके से बिहार वासियों के लिए जो छठ महापर्व होता है वो आस्था का एक ऐसा उत्सव होता है जो देश विदेश में वो लोग कहीं भी रहें तो लोग आकर के बिहार अपने घरों का कूच करते हैं, उसी तरीके से माँ नर्मदा प्रकटोत्सव एक ऐसा उत्सव है जो देश भर में रहने वाले जबलपुर वासियों को अपनी ओर अनायास ही खींच लाता है। तो इस आकर्षण, इस अद्भुत प्रेम माँ नर्मदा और जबलपुर वासियों के बीच जो है, इस बारे में क्या कहेंगे? आप 17 वर्षों से मुंबई में हैं, फिर भी हर वर्ष प्रकटोत्सव के यहाँ पर माई के दर्शन के लिए आते हैं। जैसे आपने कहा छठ पूजा के बारे में जी, तो जैसा कि नर्मदा के प्रति माता नर्मदा के प्रति जो सबकी आस्था है वो आज से नहीं है या 17 वर्षों से नहीं है, ये अनंत काल से चली आ रही है। और ये भी कहा जाता है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे जो पुरानी नदी है जो कहा गया है पुरातन नदियां हैं, तो बहुत पुराना इतिहास माँ नर्मदा का है और कहते हैं कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर होता है और गंगा माँ भी स्वयं नर्मदा माँ से मिलने के लिए आती हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं हमारी। और पुरानी कथाओं की जब हम बात करते हैं तो हम यह भी सुनते हैं, यह भी लिखा हुआ पाते हैं कि माँ नर्मदा में दर्शन मात्र से उतने पुण्य की प्राप्ति होती है जितना माँ गंगा में स्नान करने उपरांत प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, और यही मेरा विषय भी है और मैं यही चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मुंबई में मैंने अपना जो कार्य है वो आपको नहीं बताया जी। मुंबई में मैं डायरेक्टर हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और एज एन एक्टर भी मैंने काफ़ी काम किया है, तो मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ माँ नर्मदा के ऊपर, तो मैं जानना चाह रहा हूँ जितने से ज़्यादा चीज़ें मैं जान सकूँ, भक्तों से जान सकूँ, माँ को चाहने वालों से जान सकूँ, संत महात्माओं से जान सकूँ, जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं नर्मदा माँ के बारे में इकट्ठा कर सकूँ और एक वास्तविक जो घटनाएं हैं जो लोग किंवदंतियां समझते हैं जबकि वो चीज़ें सत्य हैं, सत्य हैं, हालांकि पौराणिक हैं, पुरातन हैं, लेकिन सत्य हैं, 5000 साल पुराने का पुराना इतिहास हमारा रहा है। तो मेरा प्रयास यही है, मेरा आने का रीजन भी यही होता है कि हर बार मुझे एक नई चीज़ जानने, नई चेतना भी मिलती है, उत्साह भी आता है। मैं पिछले 9 साल से इस विषय पे काम भी कर रहा हूँ, पिछले 9 वर्षों से मैं इस प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहा हूँ और मेरा आने का उद्देश्य ये भी रहता है कि मेरे को प्रेरणा मिले, मेरे को अधिक से अधिक जानकारियाँ मिले, सीख मिले, ताकि मैं एक बहुत अच्छी ऐसी फिल्म बना सकूँ जो लोगों को पसंद आए, लोगों को अच्छी लगे और माँ नर्मदा का जो सचरित्र रहा है, जो जीवनी रही है उनकी, वो लोगों के सामने मैं ला पाऊँ और एक अच्छा सिनेमा जिसे कहते हैं, काफ़ी सालों से ऐसी फिल्में बन नहीं रही हैं, तो मैं चाहता हूँ माँ नर्मदा की जो स्टोरी रही है, जो उनका लव स्टोरी जो रही है, जिस तरह से उनकी शादी का और उनकी सारी चीज़ें, वो वियोग निर्मित, वियोग जैसे निर्मित होता है, तो एक ऐसी कहानी है जो इंस्पायर्ड करती है आपको, समत त्याग के लिए इंस्पायर्ड करती है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके चीज़ों को जान पाऊँ, समझ पाऊँ और एक सहेज पाएँ उसे हम,
और एक अच्छी फिल्म बना के लोगों के सामने ला सके, ताकि लोगों की आस्था जो है वो प्रबल हो और अच्छे से और बढ़े माँ नर्मदा के प्रति, और माँ नर्मदा जी के जो संस्कार रहे हैं, जो उनका जीवन रहा है, उससे सीख लें जी। और जैसा कि जब आप पौराणिक बातों की बात कर रहे हैं, तो माँ नर्मदा एक ऐसी महिमावान नदी है, या सामान्य शब्दों में जबलपुर वासियों और सबके लिए एक जीवन दायिनी माँ के समान है। तो इनसे जुड़ी कई लोक कथाएं हैं, इनसे जुड़ी हुई कई प्रेम कथाएं हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों में वेदों में इनके बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक किस्से हैं, और शायद ही हिंदुस्तान की किसी नदी के लिए इतनी सारी चीज़ें जो है तो व्याप्त हैं, और जिसे जीवंत स्वरूप में लोग दर्शन करते हैं, लोग जो तो देखते हैं। और जबलपुर की तो बात ही निराली है, अगर यहाँ आए और जो तो नर्मदे हर नहीं बोला, माई के घाट पे डुबकी नहीं लगाई, तो फिर जबलपुर में जन्म लेना या जबलपुर में आना व्यर्थ माना जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे जी? जैसा कि आपने कहा, पौराणिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं जी। तो हम सिर्फ पौराणिक दृष्टिकोण से के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि तो नर्मदा का जल आपने देखा होगा हरा होता है जी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि नर्मदा का जल हरा क्यों होता है, बाकी नदियों का जल अलग तरह का होता है, लेकिन नर्मदा जी का जो जल है वो हरा है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम देखेंगे तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है, और अमरकंटक जो है एक आयुर्वेदिक हब कहा जाना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जहाँ पर होती है जंगलों में, उसका जो जल है नर्मदा जी में मिलता है जी। जिसकी वजह से नर्मदा का जल हरा हो जाता है जी। और भी बहुत सारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि आपने देखा होगा सारी रिवर्स जो है, सारी नदियां जो है सीधी बहती हैं जी, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो राउंड में बहती हैं जी। आपने देखा होगा कि वो इस तरह से राउंड में जाती हैं, तो उसका भी एक वैज्ञानिक रीजन है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि कंकर कंकर शंकर कैसे हो जाता है, तो कंकर कंकर शंकर वो ऐसे हो जाता है कि जब पानी राउंड में घूमेगा और कोई चीज उसके अंदर रहेगी तो उस पर घर्षण होगा, घर्षण होगा, और जब वो राउंड में घूमता है तो घर्षण होने की वजह से जो पत्थर है वो लिंग शिवलिंग का आकार ले लेते हैं, इसीलिए नर्मदा के कंकर कंकर को शंकर कहा जाता है। अपकेंद्री बल कार्य करता है, अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में कहें, और उसी अपकेंद्री बल की वजह से वो जो घर्षण होता है उसकी वजह से एक आकृति ऐसे निर्मित होती है कि शंकर शिवलिंग बनता है, आकृति हो जाती है। और भी वैज्ञानिक बहुत से दृष्टिकोण है, जैसे अभी आप ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये सिद्ध घाट कहलाता है जी। तो सिद्ध घाट में एक कुंड है जी। तो गौरी शंकर महाराज जी एक संत हुआ करते थे, वो यहाँ पर रुके हुए हैं, उन्होंने उनके द्वारा ये सिद्ध घाट जो है प्रकट किया गया है। तो इस कुंड का जो पानी है, इस कुंड की जो मिट्टी है, कहते हैं कि अगर आपको कोई चर्म रोग होता है, चर्म रोग होता है और इसकी मिट्टी लगाने से वो चर्म रोग पूरा दूर हो जाता है, और इसका पानी भी अगर आप प्रैक्टिकल के लिए पीना चाहें, चेक करना चाहें कि वाकई में बात सही है या गलत है, तो आप उसका जल पियेंगे तो उसमें आपको नीम की स्वाद, आपको नीम का स्वाद आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने खुद चेक किया हुआ है जी। और भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप ये सिद्ध घाट का पानी लेके जाएंगे, सिद्ध कुंड का पानी अगर आप लेके जाते हैं और आप अपने घर में इसको रखते हैं, आप 6 महीने साल भर इस जल को रखेंगे, लेकिन इस जल में ना कीड़े पड़ते हैं ना ये जल खराब होता है, एक तरीके से अद्भुत चीजें इस कुंड में। जी हाँ जी हाँ जी, तो यही जो चीजें हैं लोगों को आकर्षित करती है, लोगों की श्रद्धा बढ़ाती है। तो मैं काफ़ी इन चीज़ों पे पहले तो कोई भी बिलीव नहीं कर पाता, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं और फील करते हैं, मैंने सिद्धकुंड के जल का भी प्रैक्टिकल किया है और वहाँ की मिट्टी का भी मैंने प्रैक्टिकल किया है। मेरे एक मित्र थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्किन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैंने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है, तो बोले एक बार अपन ट्राई करते हैं, और वो मेरे साथ आए और उन्होंने यहाँ की मिट्टी जो है, उनके जो जो घाव थे वहाँ पे उन्होंने उस मिट्टी को लगाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे उनकी पूरे रेसेस जो थे, खुजली के जो निशान थे, दाद के जो निशान थे, वो सारे ख़त्म हुए। आपने जैसा बताया कि आप निर्देशक के तौर पर मुंबई में कार्यरत हैं, इसके अलावा अभिनेता के तौर पर भी आपने कई सारे कार्य किए हैं, और माई नर्मदा के लिए अनवरत उनसे जुड़े हुए किस्से सहेजने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी तक आपने
जो प्रमुख कार्य किए हैं उनको अगर बताना चाहें तो। जी, मैं 2007 से मुंबई में हूँ और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मेरी बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर जी, जितेंद्र जी जो हैं, उनके साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। तो उनके साथ मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हुए 2 वर्ष काम किया, अनुभव लिया। और इसके बाद मैंने मेरी पहली फिल्म थी, अभिषेक चौबे जी डायरेक्टर थे, विशाल भारद्वाज प्रोड्यूसर थे, इश्कियाँ पहली फिल्म थी। उसके बाद तो निरंतर माँ नर्मदा की कृपा से मैं चल ही रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरी लास्ट फिल्म जो है नोटरी, जो मैंने अभी की है, इसके डायरेक्टर हैं पवन डिवार, जिन्होंने यश को लेकर गुगली फिल्म बनाई थी। इसके पहले मैंने भारत फिल्म की थी सलमान खान के साथ, प्रकाश जी के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, जिसमें सत्याग्रह, चक्रव्यूह, आरक्षण जैसी फिल्में शामिल हैं। अनिल शर्मा जी के साथ मैंने फिल्म की है जिसमें सनी देओल जी हैं, फिल्म का नाम है सिंह साहब दी ग्रेट। और नशीर साहब जी के साथ की है मैंने फिल्म होप, और हम यशराज के साथ मैंने फिल्म की है मेरी प्यारी बिंदु। तो काफ़ी लंबी फेहरिस्त है, काफ़ी लंबी जो समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, और माई नर्मदा करे कि ये बढ़ती ही जाए अनवरत ऐसी। मेरा प्रयास तो यही है कि मैं अपने शहर का, अपने लोगों का गौरव बढ़ाऊँ, उनका अपने शहर को दिलाऊं। मेरा प्रयास यही है, और मेरा प्रयास बेसिकली यही है कि मैं अपने क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो हमारा कल्चर रहा है, चाहे वो रानी दुर्गावती का हो, रानी अवंतीबाई का हो, या फिर माँ नर्मदा का हो, संग्राम शाह जी का रहा हो, संग्राम शाह, रघुनाथ शाह जी का रहा हो, तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो हमारी धरोहर है उनको किस तरीके से बेहतरीन तरीके से सहेजा जा सके, सहेजा जा सके। और एक ज़रूरत है इन चीज़ों की, हमें ज़रूरत है, हमारी आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को हम क्या दिखाएंगे। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने जो चीज़ें हमारी घटनाक्रम रहे हैं पुराने, या फिर जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएँ रही हैं, या सांस्कृतिक घटनाएँ रही हैं, पुरातन घटनाएं जो हमारी रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जनरेशन के सामने आना चाहिए। और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ, मैं लोगों से लगातार इस विषय पर मिल भी रहा हूँ। और मैंने तो यहाँ भी तक सोचा है कि आज के समय में ऐसी फिल्में कौन बनाता है। लोग बोलते हैं कि आप धार्मिक फिल्म बनाओगे, इस तरह की फिल्म बनाओगे, तो मैंने कहा मैं धार्मिक फिल्म नहीं बना रहा हूँ, ऐसा सोचिए मत। मेरा धर्म मेरे तक सीमित है, और मेरे धर्म को मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ, और इसका मैं किसी तरह का वो नहीं करना चाहता कि मेरी आस्था कहाँ है। लेकिन हाँ, जो चीज़ बताने की है, जो दिखाने की है, जो दिखाया जा सकता है, वो दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और नर्मदा जी के प्रति मेरी आस्था है, और इस पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, और बनना चाहिए। काफ़ी लोगों ने बोला कि बनना भी चाहिए, बोले आप फंड कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा नर्मदा जी के नाम से इतने लोग पल रहे हैं, नर्मदा जी के नाम से इतने लोग चल रहे हैं, इतने लोगों का जीवन चल रहा है, तो मैं एक छोटी सी क्या फिल्म नहीं बना पाऊँगा। बोले वो डोनेशन पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। मैंने कहा हो सकता है नर्मदा जी चाहती हो कि भाई मेरे को डोनेशन दो, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ नर्मदा जी के ऊपर। तो ऐसी मेरी सोच है, लेकिन मैं फिल्म बनाऊँगा।